नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम जल्दी से तीन आईटी स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जिनमें आज बहुत अच्छी तेजी देखने को हमें मिली है, रूट मोबाइल, सोनाटा और केपीआईटी। तो हम इन न्यूज़ देखेंगे इन स्टॉक्स में और चार्ट के माध्यम से भी इनका एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो रूट मोबाइल को लेके दोस्तों न्यूज़ आई थी, इन्होंने 867 करोड़ रेस किए थे QIP के थ्रू और उसके बाद से ये स्टॉक थोड़ा सा गिर रहा है। इसको कंपनी, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने उतना पॉजिटिवली नहीं लिया था। फिर वॉल स्ट्रीट पे दोस्तों चार दिन पहले आर्टिकल निकला था कि जो इनकी स्टॉक में प्राइस में गिरावट हुई है वो टेम्परेरी है क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ एनालाइज किया था, तो उसके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, ROC अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए 12% जहाँ इंडस्ट्री का एवरेज है, इनका वहाँ पे 23% का एवरेज है। तो ओवरऑल दोस्तों लास्ट वन ईयर का भी देखेंगे इंडस्ट्री से ज़्यादा इनकी कंपनी का चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ये टाइम जो गिरावट का है इसको आप इसमें एक्यूमुलेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा आप इसमें, मेरा मानना है ये वाली जो कैंडल बनी थी इसके नीचे का, तो 1650 के पास का स्टॉप लॉस आप इसमें रखिएगा और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो 2000 और 2400 तक के रहेंगे। बट मेरा पर्सनली मानना है ये थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख के चल सकते हैं। ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं कि 1650 का स्टॉप लॉस इन 2000 एंड 2400 के टारगेट्स, ये ट्रेडिंग के लिए है। आइए दोस्तों अब हम KPIT को लेके देखें। आज बहुत इसमें गजब की तेजी आई है। तो KPIT को देखिए दोस्तों क्या चल रहा है इनका भागने का रीज़न। इनको EV सेक्टर्स का काफ़ी, EV और क्लाउड और इन सब में इनका काफ़ी ज़्यादा आजकल नाम हो रहा है कि ये उसमें काफ़ी अच्छा काम करेंगे। तो इनके भी रेवेन्यू बढ़े हैं, तो इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है EV की वजह से भी और आप कह सकते हैं क्लाउड की वजह से भी क्योंकि ये इसमें अच्छा काम कर रही है। चार्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था 370 के बाद। यहाँ पे ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था। उसके बाद से फिर ये स्टॉक ने यहाँ 490 तक रुका था और आज फिर इस स्टॉक हो सकता है अब ब्रेकआउट दे दे। तो इस स्टॉक को दोस्तों अगर आप खरीदते हैं तो वो प्योरली ब्रेकआउट के लिए आप खरीदिएगा क्योंकि काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, मेरा मानना है यहाँ का 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 550 के टारगेट्स को आप एम करके इस स्टॉक में चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस प्राइस पे इसको खरीदने का सजेशन नहीं दूंगा। सोनाटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसको लेके भी वॉल स्ट्रीट पे आर्टिकल निकला था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि स्टॉक फेयरली प्राइस है कि नहीं है। तो इन्होंने DCF मॉडल यूज़ किया था तो उसके हिसाब से थोड़ा सा निकला था कि इनकी जो ओवरऑल प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है अभी जो स्टॉक की शेयर प्राइस है थोड़ा सा, बट PE हाई है और ये है तो एक्चुअली में उतना वैल्यू करता नहीं है। तो प्राइस थोड़ी सी हाई है बट सारे ही IT स्टॉक्स आपको इसमें हाई उसमें दिखेंगे क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ्स के हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है। अब इस स्टॉक ने भी देखिए यहाँ पे आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अच्छी वॉल्यूम्स के संग दिया है। यहाँ पे ये देखिए अच्छा ब्रेकआउट दिया 890 के ऊपर का, तो आपको 885 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1000 रुपीज़ के टारगेट्स को एम करना है। इस स्टॉक को भी मैं इस प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ, उसकी सही प्राइस होगी 750 के। ट्रेडिंग के लिए आप इस स्टॉक को जरूर देख सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट आज इसने दिया है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करिए, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से पेज है हमारा। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।